एशिया कप की शुरुआत जैसा कि आप जानते हैं 19 जुलाई से ऑलरेडी श्रीलंका में हो चुकी है और इंडियन टीम अब तैयार है अपना दूसरा मैच इस टूर्नामेंट का खेलने के लिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज वैशाली एंड वेलकम टू स्वरा प्रेजेंट्स द आउटसाइड व्यू पावर्ड बाय सोलिस। आज हम आपके साथ जुड़ गए इंडिया वर्सेस यूएई के मैच प्रीव्यू को लेकर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले हेड टू हेड की बात की जाए तो दोनों ही टीमें आपस में एक ही बार खेली है और उसमें इंडिया को जीत हासिल हुई थी। अगर रीसेंट फॉर्म पे नजर डालें तो इंडिया अपना पिछला मैच जीत कर पाकिस्तान के अगेंस्ट इस मैच में आएगी, जहां इंडिया ने हराया था पाकिस्तान को 7 विकेट से। वहीं अगर यूएई की बात की जाए तो यूएई को हार का सामना करना पड़ा था नेपाल के अगेंस्ट। लेट्स हैव अ लुक एट प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। इंडिया के लिए देखें तो दीप्ति, स्मृति, हरमनप्रीत, शेफाली सभी अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमारी निगाहें होंगी पूजा वस्त्रकर पर। क्यों, चलिए देखते हैं। पूजा वस्त्रकर जो लगातार अपनी बॉलिंग से इम्प्रूवमेंट करती हुई नजर आ रही है, पिछली बीती साउथ अफ्रीका सीरीज में भी प्लेयर ऑफ द सीरीज रही थी और उन्होंने 8 विकेट चटकाए थे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी और पावर प्ले में 2 बड़े झटके पाकिस्तान को दिए। उनका जो कंट्रोल नजर आता है अब अपनी बॉलिंग पर, चाहे वो कोई भी फेज ऑफ द गेम हो, अपने स्टार्टिंग में वो पावर प्ले में स्विंग से काम करती हुई नजर आती है, मिडिल ओवर में लाइन और लेंथ को एक्यूरेट रखती है और साथ ही डेथ ओवर्स में वो यॉर्कर्स और वेरिएशन से विकेट्स निकालने की कैपेसिटी रखती है। तो उनका ये जो इम्प्रूवमेंट बॉलिंग में नजर आया है, इसीलिए बनती है वो हमारी प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। यूएई की तरफ से देखा जाए तो हमारा दाव खेल रहे हैं कैप्टन ईशा ओजा पर। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो वो कैप्टन है एंड शी वुड वांट टू लीड हर टीम फ्रॉम द फ्रंट, और पिछले मुकाबले में जिस तरह वो रन आउट हुई थी, चाहेंगे कि इस बार वो बड़ी पारियां खेले। कैप्टन भी है साथ में ओपनर भी है। ओपनर की हमेशा कोशिश रहती है कि पावर प्ले में अपनी टीम को एक मजबूत स्टार्ट दे और इंडिया को अगर उनको दबाव में डालना है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। साथ ही वो बॉलिंग भी करती है, लेकिन बैटिंग के लिए उनके पास बहुत बड़ा दारोमदार होगा। लेट्स हैव अ लुक एट द प्रेडिक्टेड 11 ऑन योर स्क्रीन्स राइट नाउ। हमें लगता है इंडिया जाएगी अनचेंज्ड और हम यूएई में भी कोई बदलाव की अपेक्षा नहीं करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही वुमेन्स क्रिकेट जोन को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ बताइए आपको क्या लगता है कौन होगा वो खिलाड़ी जिस पर आपकी निगाहें होंगी, साथ ही ऐसा कौन सा प्लेयर होगा जो इस T20I में सबसे पहले शतक या फिर 3 विकेट या फिर हैट्रिक लेगा, आप वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। दिस इज वैशाली साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्वरा प्रेजेंट्स द आउटसाइड व्यू पावर्ड बाय सोलिस।